श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। अभी मैं हूं ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में। आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव, जहां इस बार आजादी का 75वां अमृत दिवस मनाया गया। उसी को लेकर आज ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, और उस कृष्ण जन्माष्टमी को भी अपने देश के आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जो रूप में दिखा, उस तरह से ये रूप दिया गया है। यहाँ पे भी तिरंगे झंडे का, जो आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी साज सज्जा किए गए हैं वो हमारे तिरंगे झंडे का है। आन बान शान हमारे तिरंगे झंडा और हमारी संस्कृति दोनों मिलते हैं और भारत का निर्माण होता है। ये भारत निर्माण जिसमें सब कोई है, हमारे देव हैं, हमारे देशभक्ति है, सब कुछ है, और हमारे संसार में सबसे पहले प्रेम को लाने वाले कोई देवता है तो वो है कृष्ण। कृष्ण और राधा, राधा का नाम भी कृष्ण से पहले आता है, क्योंकि प्रेम इतना बड़ा था कि राधा का पहले नाम आता है, उसके बाद कृष्ण का नाम आता है। आइए अब मैं आपको कुछ भक्तों से मिलाऊंगा, वो यहाँ ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में लगातार वर्षों से यहाँ पे करते आ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। जानेंगे उनसे कि कब से वो जी कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पे कर रहे हैं और उनकी क्या विशेष यहाँ पे मान्यता है कि वो लगातार इतने दिनों से यहाँ करते आ रहे हैं। आइए डायरेक्ट उनसे मिलाते हैं। आइए सामने, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है ना। आपका नाम क्या है? सुनीत राहुल। आप यहाँ पे कितने वर्षों से? ये 7वां साल है। ये हर वर्ष हम लोग जन्माष्टमी के दिन सजाते हैं, पेंट करवाते हैं और पूजा पाठ करके फिर हम लोग यहाँ से, मेन है कि अगल बगल जंगल है उसको देखते हुए, ज़्यादा रात में तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन 10-11 बजे तक टोटल पूजा करके ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे जितने पूजा में खर्च होते हैं वो आप लोग ही व्यय करते हैं या किसी और फंड से? यहाँ पे नहीं, ये पूजा में साज सज्जा में जो भी खर्च होता है हम लोग के द्वारा स्वयं किया जाता है। इसमें ना ही किसी के, ना ही मंदिर प्रबंधन समिति इसमें कोई सहयोग करती है। मेन जो भी हम लोग युवा संघ है, हमारे धनखेरी के हैं, इटखोरी के हैं, बगल के टाल के हैं, बाकी आपके कुछ मंदिर के भी हैं। किस तरह की श्रद्धा है जो हर वर्ष आप राधा कृष्ण की पूजा करने यहाँ पहुँच जाते हैं? आज से 7 साल पहले जब हम एक बार यहाँ से जन्माष्टमी के दिन गुजर रहे थे तो यहाँ देखें कि रात में नहीं, शाम में हम गुजर रहे थे यहाँ से, तो देखें कि एकदम कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल मूर्ति एकदम पुराना टाइप से था, ना ही उसमें पेंट था, ना ही कुछ था, ना ही लाइट बत्ती साज सज्जा कुछ नहीं। सिर्फ लोग आते थे और ना ही यहाँ पे किसी का तरह का कोई ध्यान देते हैं। तो मन में एक भावना आया कि क्यों नहीं इसको थोड़ा सा सजा दिया जाए। धीरे धीरे हम शुरुआत किए, बाकी लोगों का सहयोग मिलते गया और सहयोग आज देख सकते हैं इतना बड़ा सहयोग, हम इसके लिए सबका शुक्रिया दिल से अदा करते हैं। मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, मैं भी देखता हूँ कि हर वर्ष 5 से 6 युवक आप लोग यहाँ पे साफ सफाई में लग जाते हैं। जन्मोत्सव के पहले से ही, करीबन 4-5 दिन पहले से ही लग जाते हैं। इसमें विशेष किन किन युवकों का योगदान रहता है? उन लोगों इसमें विशेष सहयोग रहता है। मेन तो पहले हम अकेले थे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मिलते गए, कुछ दोस्त लोग मिले, कुछ ग्रुप में आए, कुछ फेसबुक के थ्रू आए, व्हाट्सएप में आए, हर जगह से सोशल मीडिया से हम इसको थोड़ा सा फैलाने का भी कोशिश किए, उसमें आए, फिर हम खुद से आए, संदीप आए, कुंदन आए, मनीष आया, फिर अशोक आया, बाकी धनखेरी के कुछ यादव समाज से भी आए, तो उन लोग का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये ऐतिहासिक माँ भद्रकाली का प्रांगण है, यहाँ पे सब कुछ विधि व्यवस्था, ये पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण की यहाँ प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पे उनके लिए एक व्यवस्था होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए, वो अभी तक यहाँ दिखा नहीं है। मंदिर प्रबंधन समिति से हम 3-4 बार रिक्वेस्ट भी किए हैं और पहले भी बहुत बार हम रिक्वेस्ट किए कि कम से कम अगर आप सीमेंटेड नहीं कर सकते हैं तो लोहा का कम से कम पाइप गाड़ के इसके ऊपर एक कम से कम छोटा सा शेड जो पानी से और पत्ते से बचा सके, क्योंकि हर बार मूर्ति का नुकसान होता है। और इस बार कुछ भक्त ऐसे भी थे जो कुंडली लगने के बाद हवा चलता है तो कभी कभी दिया जलता है तो उसे भी पकड़ लेता है, तो थोड़ा सा अगर वो बन जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और भी हम कुछ भक्तों से मिलाएंगे। इनका साफ तौर से कहना था कि करीबन 7 सालों से ये यहाँ पे जन्माष्टमी कर रहे हैं, ये पहले 7 साल के पहले जब यहाँ से
गुजर रहे थे तो यहाँ पे देखा कि कृष्ण और राधा की खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है, जो विश्व में पूरे भारत में एक अलग पहचान है, उनका अलग पूजा भाव है, इन्हें लोग अलग श्रद्धा से पूजते हैं। प्रेम का जहाँ बात आता है वहाँ राधा कृष्ण का नाम जरूर आता है। और ये जब यहाँ से पार हो रहे थे तो राधा कृष्ण की प्रतिमा को देखें, और वो जन्माष्टमी के भी दिन सुनी पड़ी हुई थी, वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो पा रहा था, तब से इनके मन में भाव जगा और तब से रेगुलर यानी रेगुलर 7 सालों से ये यहाँ जन्माष्टमी करते आ रहे हैं। और यहाँ ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में ये है, उनसे सटा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रबंधन समिति ना या किसी तरह के राजनेता किसी पे इस मंदिर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ना तो साइड की व्यवस्था हो रही है, जिसके कारण मूर्ति थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, हर वर्ष से पेंट कराना पड़ता है, जिस तरह अनेक समस्याओं को बताया पुनीत राहुल ने। और अगले भक्तों से मिलाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो भी कब से इस यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, इसके बारे में आगे मिलाते हैं। आपका नाम क्या? जी संदीप। आप कब से यहाँ पहुँचे? करीबन 5 साल से। 5 साल से रेगुलर आ रहे हैं, क्या श्रद्धा है? बहुत पुरानी श्रद्धा जुड़ी हुई है इनसे। कोई मन्नतें पूरी हुई हैं? बहुत सारी। क्या जब तक आप कब तक ये त्यौहार को कब मनाना चाहेंगे? मैं जब तक जीवित हूँ ये त्यौहार को छोड़ नहीं सकता। इस त्यौहार को और विकसित करना? विकसित तो करूँगा अपने दोस्तों के माध्यम से, और बाकी जहाँ तक मदद मिल सके और जहाँ तक हद हो रही है उतना तो कर ही रहा हूँ, बाकी और सबके सहयोग से हो रहा है। पिछले वर्ष यहाँ दही हांडी का भी प्रोग्राम रखा गया था, इस वर्ष मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ कि है दही हांडी का भी प्रोग्राम इस बार नहीं हुआ है, इसका क्या था? कल होता है, जैसे जन्माष्टमी 12 बजे के बाद ही होती है, तो हम लोग इसका प्रोग्राम मॉर्निंग में ही रखते हैं सुबह में। और इस बार ये क्या क्या प्रोग्राम था जन्माष्टमी? बहुत कुछ सोच के रखे लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाई, और भी हम लोग सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इसको और विकसित करें, और मंदिर प्रबंधन से यही हमारी उम्मीद है कि इसको अगले साल तक कुछ ना कुछ किया जाए इसके विषय में, क्योंकि यहाँ मतलब बैठने या ये करने के लिए यात्री लोग भी इधर नहीं आ पाते हैं। जैसा कि अगले भक्त से हमने मिलाया, उनका भी साफ तौर से कहना है कि 5 सालों से वो भी जन्माष्टमी का त्यौहार यहीं पे मना रहे हैं, और इनका भी साफ तौर से यही कहना है कि यहाँ पे अगर साइड बन जाए और राधा कृष्ण की एक मंदिर भी यहाँ निर्माण हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर की पूरा साइड बनने के बाद और भी भक्त यहाँ आएंगे और यहाँ भीड़ बढ़ेगी, श्रद्धालु जन्माष्टमी को लेकर जागरूक होंगे और धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी और आस्था भी बढ़ेगी। कुछ दिन पहले ही सावन बीती है और यहाँ बगल में ही सहस्त्र शिवलिंग मंदिर है, जहाँ एक ही शिव में 1008 शिव मौजूद हैं, वहाँ जलाभिषेक करने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है, बहुत भीड़ उमड़ती है, और देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और श्रद्धालु यहाँ जल अर्पित करते हैं। और बगल में ही हमारे राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है, जो बहुत अनोखी और अद्भुत है, जो इन लोगों की नौयुवकों की कोशिश की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ भी रही है। हर साल कुछ ना कुछ लोग इनमें जुड़ रहे हैं फेसबुक के द्वारा, जैसे बताया फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ही यहाँ पे हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। श्रद्धालुओं और यहाँ के भक्तों का साफ तौर से कहना है कि मंदिर प्रबंधन समिति और यहाँ के राजनेता अगर साथ देते हैं तो एक विशाल मंदिर यहाँ भी राधा कृष्ण का होगा, और यहाँ सामने करीबन 20 सालों से कीर्तन भी हो रहा है, रेगुलर 20 सालों से राधा कृष्ण का जाप हो रहा है, राम हरे रामा हरे कृष्ण का जाप हो रहा है, सामने ही हमारे राधा कृष्ण भी यहाँ विराजमान है, लेकिन इसमें किसी का ध्यान नहीं आकर्षित हो रहा। मैं अपने चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों से और अपने राजनेताओं से, यहाँ के जो हमारे नेता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, एक बार इस स्थल पे भी ध्यान दें, बहुत सुंदर स्थल है, यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे कदम के पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पे जिस रूप में राधा कृष्ण को रहना चाहिए उस रूप उस तरह का पर्यावरण यहाँ पे है, प्राकृतिक से सराबोर है यहाँ पे, और आज का मौसम तो इतना सुंदर है, जिस दिन हमारे कृष्ण जी ने जन्म लिया था आज ही के दिन इस दिन वर्षा भी होती इसी तरह हो रही थी, और देवकी के पास पहुँचाया था आपके कृष्ण जी को, वहाँ पहुँचाया था नंदलाल के यहाँ, इसी बारिश में समुद्र को पार करके,
और वही बारिश आज हो रही है। बहुत सुंदर मौका है और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। मैं आगे और भी ले चलूंगा प्रखंड में अनेकों स्थल पे जहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा हो रही है, तो बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बिली।